नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक बड़ा रोचक मुद्दे पे। जी हाँ साथियों, क्या अपने घर से कोई बंदा चला जाता है यानी 28-30 साल बाद अचानक से वापस आ जाता है? क्या हमने कभी सोच सकते हैं कि ऐसा होता है? 30 साल 28 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है। एक बच्चा जन्म से लेके बड़ा होके उसकी शादी होके उनके भी बच्चे हो जाते हैं, इतना लंबा टाइम उसमें निकल जाता है। तो वो भी पहचानने से इनकार कर देते हैं कि ये हमारे परिवार का सदस्य कभी होता था। जी हाँ साथियों, ऐसा ही वाकया हुआ है इंडिया में, कानपुर में। जी हाँ साथियों, कानपुर यूपी की हम बात करेंगे। 28 साल पहले जवानी में एक बंदा 30 साल का था तब पाकिस्तान गलती से घूमने चला गया। जी हाँ, और वहां पे उसके ऊपर जासूसी का आरोप लगा के उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन पूरा अभी घर में खुशियों का माहौल अचानक से कैसे बन गया, जानकारी देंगे आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हुआ यूं कि कानपुर यूपी जी हमसुद्दीन, अभी उनकी उम्र है 58 ईयर्स यानी 58 साल के हो चुके हैं, 30 साल के थे तब ये बंदा पाकिस्तान घूमने चला गया था। फिर वहां पे थोड़ा काम करने लग गया क्योंकि एक बंदा को काम आता था, जूती का बनाने का ये काम करते थे। जी हाँ, तो 10-12 साल तक उन्होंने वहां पे काम किया, मजदूरी की। फिर अचानक से उन पे एक आरोप लगा दिया कि ये भारतीय जासूस है, ये बेवकूफ बना रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, ये यहाँ की जासूस सेना को भेज रहा है। इसका एलिगेशन लगा के उसको जेल में डाल दिया गया। उनकी वाइफ भी वहां पे एक बार गई थी पाकिस्तान, लेकिन उनका वहां पे इनका इंडिया में जैसे उनका तलाक हो गया, आपको पता है पहले तलाक कैसे होता था, मुख जमाने से बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो गया, तो वो वापस आ गए। उनकी बच्चियां थी, एक बच्चा है, उनकी शादी वगैरह हो चुकी थी। उन्होंने तो 12 साल से तो वो बता रहे थे, घर वाले, उनका भाई ने बताया, फहीमुद्दीन ने बताया कि हमने उम्मीद छोड़ दी थी 12 साल, हमें तो कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। हमने तो अचानक से एक दिन टीवी में न्यूज देखी कि पाकिस्तान इंडिया कानपुर का बंदा 28 साल पहले पाकिस्तान गया, उसको वापस भेज दिया गया है इंडियन सरकार के जो समझौते होते हैं उनके अनुसार, जिनको अमृतसर में क्वारंटाइन कर दिया गया, जल्दी उनको घर भेज दिया जाएगा। तो उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारा भाई 28 साल बाद वापस आ रहा है। जी हाँ साथियों, भले में एक तरह से आप माने तो भाई 28 साल से जो परिवार जिसको हम भूल चुके हैं वो अचानक से अपने घर में आ जाए तो बीबी बच्चे खास तौर से मैं बता दूं बच्चों के लिए ज्यादा खुशी होती है कि बड़ी बेटी तो उनको देख के बेहोश ही हो गई, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हकीकत में अपने पापा आ गए क्या। जी हाँ साथियों, गली मोहल्ले में मिठाइयां बांटी गई, मालाएं पहनाई गई, एक अच्छा एक खुशी का माहौल देखने को मिला। तो ये जानकारी इसलिए देनी जरूरी है भाई कि पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है लेकिन रिश्ते खराब होने की वजह से ऐसा होता है। बहुत सारे इंडियन हैं जो पाकिस्तान की जेलों में पड़े हैं, जो गलती से गए, कैसे भी गए, काफी लोग तो वहां पे मर भी चुके हैं लेकिन उनका अता पता भी नहीं है। और कुछ हालांकि इंडिया में जो होते हैं उनको वापस रिलीज कर दिया जाता है, थोड़ा कानून का डिफरेंस है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, 28 साल बाद में एक बंदा पिछड़ा हुआ अपने घर परिवार वालों से मिल रहा है, तो ये अच्छी न्यूज़ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।